तो सिद्धार्थ के निधन के बाद से ही कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिस पर अब पर्दा उठता दिख रहा है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। निधन का जो कारण बताया गया वो बताया गया हार्ट अटैक, कि उनका निधन जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। लेकिन कई लोगों को ये बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसका कारण ये है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला बीमार इंसान नहीं थे, वो एक बहुत ही फिट इंसान थे, रेगुलर वर्कआउट करने वाले इंसान थे, अपनी डाइट, अपने खाने पीने का सबका हिसाब बराबर रखते थे। तो जब इतना फिट इंसान और इतनी अच्छी जीवन शैली जिसकी हो, उसको हार्ट अटैक हो जाए, वो भी 40 साल की उम्र में, ये किसी को भी नहीं बचा। इसी को लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें आया कि बाहरी कोई भी चोट सामने नहीं आई है, सिद्धार्थ की बॉडी में कोई बाहरी चोट नहीं दिखी है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो अब जानकारी आ रही है उसमें इस तरह की बातें सामने आ रही है कि शायद उन्हें कुछ ऐसा खिला दिया गया था या सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उनका ये हादसा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सिद्धार्थ की बिल्डिंग के गार्ड हैं उनका भी ये कहना है कि जब 8:30 बजे उस दिन सिद्धार्थ अपने काम से वापस लौटे थे तो उनका मन हुआ कि चलो थोड़ा सा वॉक करने जाएं। जब वो वॉक करके वापस आए थे तो वो अपने नॉर्मल टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद बाहर वापस आए थे, क्योंकि जो गार्ड है वो तो नोटिस करता रहता है कि कौन सा इंसान कब बाहर जाता है, कितनी देर जाता है, क्या रूटीन है, उस सारी चीज़ों से एक गार्ड अच्छे से वाकिफ होता है। और सिद्धार्थ क्योंकि एक बड़ी पर्सनैलिटी थे तो उनके आने जाने का इस सब चीज़ों का हिसाब गार्ड ज़रूर रखता होगा। अब गार्ड का ये कहना है कि उस दिन जब सिद्धार्थ वॉक के लिए बाहर गए हैं तो काफ़ी टाइम बाद घर पर आए हैं, और उनसे जब उन्होंने ऐसी मजाक में गार्ड ने पूछ भी लिया कि सर आज तो आपने बहुत टाइम लगा दिया, तो सिद्धार्थ ने ये बताया उन्हें कि वो कुछ खा रहे थे किसी दोस्त के साथ। तो वैसे गार्ड का ये भी कहना है कि सिद्धार्थ जो है वो नॉर्मली बाहर का खाना नहीं खाते हैं, वो बाहर किसी के साथ बैठकर जो बाहर का फूड होता है उसे नहीं खाना पसंद करते हैं, घर का खाना पसंद करते हैं और अपनी जो डाइट है वहीं खाते हैं वो। अब इसको लेकर आपको भी दोस्तों ये पता है कि जब से वो बाहर से वॉक करके घर आते हैं तो घर आने के बाद ही वो काफ़ी अनईजी फील करना लग जाते हैं, उनको काफ़ी बेचैनी फील होने लग जाती है, चेस्ट में अजीब सा फील होने लग जाता है। हालांकि उस समय तो वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं इसमें बहुत बड़ी सच्चाई ये हो सकती है कि उन्हें किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ खिला दी गई थी या सिद्धार्थ ने कुछ ऐसी चीज़ खा ली थी जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ है और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आई है। तो दोस्तों ये जो खबर है ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर आगे क्या अपडेट आता रहता है मैं आपके साथ आपको बताता रहूँगा, पूरा फॉलो करता रहूँगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।